नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अंबुज कुमार और अभी हम हैं सहरसा विधानसभा में और यहां के सहरसा विधानसभा के भावी उम्मीदवार कमलदेव शर्मा जी हमारे साथ हैं। तो चलिए हम इनसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं। कमलदेव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज 24 में। सर, सुने हैं इस बार सहरसा विधानसभा के आप भावी उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में आप कौन सी पार्टी से उम्मीद लगाए हुए हैं? देखिए, वास्तविक रूप में मैं सहरसा विधानसभा 75 क्षेत्र से, हम लोजपा सेकुलर से हमारा टिकट कंफर्म हो चुका है और हम सहरसा विधानसभा क्षेत्र के इस बार उम्मीदवार के रूप में सेवा देना चाहते हैं। सर, इस बार सहरसा का जो विकास है कहीं ना कहीं रुका हुआ है, आपको क्या लगता है? देखिए, सहरसा का विकास वास्तविक रूप में बहुत हद तक रुका हुआ है और सहरसा के विकास में सबसे भारी समस्या है, हमारे सहरसा में ओवर ब्रिज बनना बहुत पहले जरूरी था। आज सहरसा में ओवर ब्रिज बनने को लेकर के कितना बार हम लोग अनशन किए, धरना प्रदर्शन किए, लेकिन ओवर ब्रिज के कारण सहरसा के जनता को इतना कठिनाई झेलना पड़ रहा है। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा विभत्स कठिनाई है और साथ ही सहरसा जिला के बैजनाथपुर पेपर मिल आज पूरे लोहा को जंग खा गया है, वहाँ सारे संपदा नष्ट हो गया है। लेकिन यदि सहरसा के बैजनाथपुर पेपर मिल संचालन होता, यहाँ के बेकारी बेरोजगार को बहुत को लाभ मिलता, यहाँ के किसानों को। सहरसा में शिक्षा की क्या स्थिति है? सहरसा में तो निश्चित रूप से जो सहरसा जिला को कमिश्नरी बनाया गया है, वह सहरसा कमिश्नरी सिर्फ नाम का है, लेकिन सहरसा को बिल्कुल उपेक्षित रूप से रखा गया है। ये तमाम समस्याओं का एक हमारे पास एक उछाल आया है कि निश्चित रूप से सहरसा का शैक्षणिक रूप में भी विकास जो होनी चाहिए वह सहरसा को नहीं मिला। आपको क्या लगता है सर, सहरसा में बदलाव होनी चाहिए? सहरसा में निश्चित रूप से 101% सहरसा का बदलाव होना चाहिए, सहरसा का विकास होना चाहिए, सहरसा का बेटा, सहरसा की बेटियां 100% इतने मेघावी हैं कि यहाँ से दूर जा कर के पड़ता है, जो अभिभावकों को ज़्यादा खर्च उठाना पड़ता है, वो जो चीज़ बाहर जाके पड़ता है वो सहरसा में। सहरसा की जो सबसे बड़ी समस्याएं है वो है सड़क, जो है काफ़ी गंभीर स्थिति में, काफ़ी दयनीय है, और जल जमाव की जो स्थिति है वो सहरसा में काफ़ी है। मान के चलिए तो गाँव घर की भी वैसी हालत नहीं होती है जैसे सहरसा की। निश्चित रूप से सहरसा का तो वो दिन भी देखा हूँ, अब वर्तमान भी देखा हूँ। आज 30 वर्षों से सड़क निर्माण ही हो रहा है, इतना लगे हुए हैं यहाँ के ठेकेदार लोग, यहाँ के नेता लोग बोलते रहते हैं कि यहाँ पर अब निर्माण हो रहा है, तब निर्माण हो रहा है, आए दिन ऐसा ऐसा घटना होता है। मैं प्रतिदिन सहरसा जाता हूँ, पेशा से आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, लेकिन हम 2 बार एक्सीडेंट कर गए, मेरा ये इसमें टूटा हुआ है, वो गड्ढा में हमारा जान भी जा रहा था। तो आज हमारे साथ ही नहीं, सहरसा के हर एक जनताओं के साथ ये परेशानी है। सहरसा का निश्चित रूप से रास्ता पेड़ा, सहरसा का जो कमिश्नरी है, जो विकास होना चाहिए कमिश्नरी का, वो विकास बिल्कुल नग्न लग रहा है। सर, आप राजनीतिक जीवन में कैसे आए, आपको कैसे लगा जो हमको चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, हम स्वामी रामदेव जी महाराज के कार्यक्रम से 2004 में जुड़े थे। स्वामी जी के कार्यक्रम के माध्यम से हम सहरसा जिला का पहले जिला महामंत्री बनाए गए, उसके बाद जिला प्रभारी बनाए गए हैं, अभी तक हैं। 2009 से हम निरंतर इस जिला के जिला प्रभारी हैं। सहरसा जिला के एक एक उस गांव के अंतिम छोर तक जाता हूं, जहां इस सहरसा जिला में 400 कुछ राजस्व गांव हैं और 153 पंचायत हैं। सभी पंचायत, सभी राजस्व गांव, सभी टोले मोहल्ले जा कर के हम निरंतर रूप से हम अपने योग शिक्षक, योग शिक्षिकाओं के माध्यम से निःशुल्क योग शिविर लगवाते हैं, लोगों में फ्री आयुर्वेद घरेलू जड़ी बूटी से चिकित्सा करते हैं। और ये देखा कि इस गांव के, सहरसा के गांव के निश्चित रूप से अंतिम व्यक्ति को कोई 100% लाभ नहीं मिला है, और जिसके कारण से यहाँ के लोगों को, यहाँ के दलित, वंचित, उपेक्षित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम घर में भी बहुत विकास बाकी है। सर, आप सहरसा के अगर वर्तमान विधायक होते तो सर्वप्रथम कार्य आपका क्या होगा सहरसा के लिए? देखिए, सहरसा का यदि मैं विधायक बनता हूँ
तो देखिए विधायक विकास में विधायक एक आवाज बनता है, वह आवाज सदन तक पहुंचाया जाता है यदि, लेकिन एक ही समस्या को बार बार सदन में यदि विधायक उठाते हैं तो यदि एक बार को हम यदि 7 बार बोलेंगे निश्चित रूप से आगे बैठे हुए जो हमारे अगला पदाधिकारी हैं या अगला नेता है उस बात को प्रेषित करेंगे तो सरकार इस पर अमल लाती है, वो विकास काम प्रारंभ हो जाता है। यही मेरा उद्देश्य है कि हमारा सहरसा की जनता का आवाज उस वहां तक पहुंचे जहां तक मेरा समाधान हो सके। सहरसा के युवाओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सहरसा के युवाओं के लिए निश्चित रूप से सहरसा में पॉलिटेक्निक कॉलेज तो पहले से है, उसी में संयुक्त कर दिया है इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन वास्तविक में इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ देखिए सबसे पहले चर्चा का विषय था कि सहरसा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पाया। सहरसा में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज अभी खुल ही रहा। जिस तरह से होना चाहिए यहाँ के बेटे बेटियाँ को जैसा सुंदर आकर्षण सेवादार जगह होना चाहिए वैसा शिक्षा में अभी दिख नहीं रहा है। निश्चित भूमि की कमी नहीं है सहरसा को, लेकिन यहाँ के नेताओं और चाहे सरकार की उदासीनता हो, मैं सबसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ एम्स की लड़ाई हम लोग बहुत शुरू से लड़ रहे हैं। सहरसा भौगोलिक स्थिति के कारण से चारों तरफ से पानी नदी है, यहाँ जब कोई बेटियाँ को कोई बहू को स्थिति खराब होता किसी भाई गंभीर इलाज के लिए वो बीमार होते हैं तो पटना जाते जाते रास्ते में ही 50% रोगी दम तोड़ देते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर एम्स का निर्माण होना 100% अनिवार्य है। तभी हम बात कर रहे थे कमलदेव शर्मा जी से और इनकी बहुत सारी शिकायतें हैं सरकार को लेकर, इसी के कारण ये इस बार सहरसा विधानसभा के चुनावी मैदान में आ रहे हैं। देखते रहिए मोबाइल न्यूज 24, मैं हूँ अंबुज कुमार।